हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25A का सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझेंगे, कैसे सॉल्व करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको इंट्रो वाले में एक फॉर्मूला बताया था, बस उसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए इंट्रो वाला या क्वेश्चन नंबर 1 का, या जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा आगे क्वेश्चन का, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन, जब एक कॉइन को हम लोग एक बार उछालते हैं, फेंकते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो बताइए कि टेल के आने के चांसेस कितने हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास जब एक कॉइन हम लेंगे तो उसमें टोटल कितने फेस हैं? दो फेस हैं, एक हेड का फेस है, दूसरा टेल का फेस है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? दो हो गया। उसी तरीके से वहाँ पर टेल कितना है? तो टेल केवल 1 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि कभी भी किसी इवेंट के बारे में जब पूछे कि ये आने का कितना चांस है, तो जितने भी नंबर होगा उस वाले इवेंट का, जैसे टेल आने का चांस पूछ रहा है तो टेल का कितने नंबर है? केवल एक ही टेल है वहाँ पर, है ना, एक कॉइन है तो केवल एक टेल मिलेगा। तो न्यूमरेटर में हम लोग 1 लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में फिर क्या करते हैं हम लोग कि टोटल जो आउटकम्स आने हमारे पास हैं वो कितने हैं। तो टोटल दो आउटकम है, या तो हेड है या तो टेल है, तो नीचे में हम लोग 2 लिख देते हैं, यानी कि 2 लिख देते हैं। तो वही बस हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, यानी जब एक कॉइन को उछाला जाएगा तो उसके आने के चांसेस 1/2 हो जाएंगे। ऐसे कॉपी में कैसे लिखना है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले इस तरीके से स्टेटमेंट में लाकर के लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना है? 2 है, और नंबर ऑफ टेल कितना है हमारे पास? तो केवल 1 है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी को शॉर्टकट में पी कहा जाता है, और पी हमें किसके चांसेस को बताना है? टेल के चांसेस को बताना है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर छोटा सा आप टेल करके भी लिख दो कि जो प्रोबेबिलिटी है टेल के आने का वो कितना है, तो वो है 1/2। तो जितना भी टेल का नंबर है उसे हम ऊपर लिखते हैं जिसके बारे में पूछा रहे, केवल टेल का नहीं। अगर आपके है ना पासे में अगर क्वेश्चन पूछा रहे या फिर कार्ड में अगर नंबर पूछा रहे, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो टोटल वहाँ पर कितना है उसको आपको ऊपर लिखना है, और उसके अलावा एक्चुअल में जो टोटल हमारे पास चांसेस आने के वो कितने हैं, तो नीचे में आपको 2 लिख देना है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जब पासे उछा लेंगे तो टोटल हमारे पास 2 आउटकम्स आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से ब्रैकेट में इसको भी लिख सकते हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जो टेल का है वहाँ पर टोटल एक ही केवल टेल है, तो चांस जो होगा टेल का वो 1/2 होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन में जो 3 है ना उसमें 2 कॉइन को उछाला जाएगा, उसे मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।